हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। हम सब पाकिस्तान से, और आज की वीडियो है पीएम मोदी जी के बारे में। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी अटेंड्स कारगिल विजय दिवस श्रद्धांजलि। तो देखें भाई क्या होता है। कारगिल का तो पता है, वो हमने वीडियो देखी है भाई। बड़ा एक बार तो खान साहब ने जो हमारी खिंचाई की थी भाई, अभी तक याद है भाई। आज मोदी जी को देखते हैं वो किस तरह ये विजय दिवस करते हैं। तो प्ले करें। यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और वहाँ पे तमाम उन परिजनों से उनका मुलाकात का कार्यक्रम। और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जो कि कारगिल वॉर मेमोरियल से आई हैं, जो द्रास सेक्टर में बना है। कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले 526 सैनिकों की शहादत को सलाम करते हुए और ये तस्वीरें कारगिल युद्ध स्मारक द्रास से, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और 140 करोड़ भारतीयों की ओर से उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और आपको पता है इंडिया के जो रिटायर्ड जो जनरल होते हैं ना, वो किराए के घरों में रहते हैं। अच्छा। हाँ, बड़े बड़े रिटायर, उनकी बस जिंदगी यही होती है। ज़्यादा वो नहीं करते कि भाई चलो लंदन चलते हैं, अमेरिका चलते हैं, वहाँ बिजनेस करें। इंडिया वाले भाई अपने देश में रहते हैं, वो भी किराए के घरों में। हमने वीडियो देखी है। मुझे तो नहीं लग रहा है, इतनी बड़ी पोजीशन वाला बंदा जो है किराए के मकान में ठहरा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। बड़े सबूत हैं, खुद मेजर साहब ने दिखाई हमें।
अपने देश से प्यार करते हैं, देखो क्या रिस्पेक्ट देते हैं। हर एक लड़ाई में द ऑफिसर्स लेड फ्रॉम द फ्रंट। जब ऑफिसर आपका आगे चलता है तो जवान इज डबली मोटिवेटेड। ही सेज मेरा ऑफिसर आगे जा रहा है, तो उसके अंदर जो जज्बा पैदा होता है, और उस जज्बे की बहुत जरूरत थी उस लड़ाई में। मैं आपको बता रहा था कि ये चोटियां थी जहां पर दुश्मन बैठा हुआ था, और हम खुले में नीचे से जा रहे थे, ओपन में वो हमारे ऊपर एम्ड फायर ला रहा था। उसी के बारे में मैं पहले भी बात कर रहा था कि 3 मई से लेकर 13 जून तक हमें सक्सेस इसलिए नहीं मिली थी कि हमारा तोपखाना वहां पूरे तरीके से नहीं पहुंचा था। मगर जब हमारा तोपखाना वहां पहुंचा और दुश्मन का हमने सिर नीचे कर दिया, उसके बाद हमारे रणमाकुरों को रोकने वाला कोई नहीं था। यही मैं कहना चाहता हूं कि दुश्मन के जो 80% कैजुअल्टीज, 80% कैजुअल्टीज कारगिल वॉर में जो हुई हैं, वो आर्टिलरी फायर से हुई हैं, और उसके बाद हमारे लीडर्स और हमारे रणमाकुरों ने जो कार्य कुशलता दिखाई, जो रण कौशल दिखाया, उसकी मेन वजह यही है आज कारगिल की सारी चोटियां जिन पे दुश्मन हमारे ऊपर निफेरियस डिजाइन लेके आया था, सब हमारे पास वापस है। जी सर, आप जो बात कह रहे हैं अपने आप में जब उसको सुन रहे हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि वो दृश्य अनायासी मन में कौंधने लगता है कि कैसे दुर्गम परिस्थितियों में हमारे रणवाकरों ने इस वीर गाथा को अंजाम दिया। वहां पर उस शहादत के साथ में देश के मान सम्मान, तिरंगे के मान सम्मान के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। कौन से बड़े पड़ाव आप देखते हैं? आपने एक बात का जिक्र किया कि जब तोपखाने की एक तरीके से वहां हमारी मौजूदगी हुई, वहां से पाकिस्तानियों के पैर पीछे होना शुरू हुए, उसके बाद में तोलोलुंग की पहाड़ियां हो या फिर टाइगर हिल पर पुनः कब्जा करना या अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, आपको लगता है कि ये कुछ बड़े ऐसे टर्निंग पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमारे जवानों ने जो कारनामा किया उसने पूरी कहानी पलट के रख दी? कैसे आप याद करते हैं इन तमाम बड़े पड़ाव को? बड़ा पड़ाव मैं कहना चाहूंगा, ये तोलोलुंग की बैटल थी That laid the foundations. उसने नींव रखी थी हमारी जीत की, और वो नींव तभी रखी गई थी जब हमने एक नया कॉन्सेप्ट आर्टिलरी फायर में लाए थे। 100 गन्स आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, 100 गन्स हम एक टारगेट के ऊपर मार रहे थे। ऑलमोस्ट 9,000 rounds were fired on the Tololing feature in a matter of couple of hours. कुछ ही घंटों में 9,000 गोले अगर आप एक टारगेट के ऊपर मारते हैं तब अंदाजा लगा लिए, इट इज समथिंग लाइक अ माइक्रो न्यूक विच हैज बीन फायर्ड। और जो हमने पाकिस्तान सेना के इंटरसेप्ट पकड़े, वो इंटरसेप्ट में यही बोल रहे थे कि हिंदुस्तान की आर्टिलरी ने, हिंदुस्तान के तोपखाने ने हमारे ऊपर कहर ढा दिया है, हमें बचाओ, वो अपने सीनियर्स को ये बता रहे थे। मैं आपको इसमें यहां पर एक और चीज कहना चाहूंगा, एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत इस लड़ाई से हुई थी, और उसके बाद इन्फेंट्री और आर्टिलरी का जो समन्वय हुआ था, जो कोऑर्डिनेशन हुआ था, जो मेल जोल हुआ था, वो एक मेन कारण था जिसकी वजह से। गिरीश मणिरत्न जी, अब आपको विनम्रता से रुकना चाहेंगे, कुछ और तस्वीरें और गौरव गाथाएं हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं इस मौके पर, जो कि लगातार ये याद दिलाता है कि 25 साल का जो ये सफर है किस तरीके से अपने आप में पूरा हुआ, और आज युद्ध स्मारक द्रास में जो कारगिल युद्ध स्मारक है वहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हैं। कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी ड्रोन सेक्टर से लड़ा गया। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित हैं वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां दिखाई देती हैं, जिन पर 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की थी। आज जिस रास्ते से आए हैं इसे नेशनल हाईवे के नाम से आज हम बद्रा टॉप के नाम से जानते हैं। आपके सामने तोलोलुंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक उनके द्वारा की गई है गहरे घुसपैठ की। वहां से दुश्मन पर प्रभाव
लिया दोनों ही बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से अंदाज शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर असंभव नहीं। इस उत्तम की लड़ाई के बाद अंत 11 जुलाई टाइगर की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस को देखते हुए अदालत की निर्देश जनरल योगेंद्र सिंह यादव को परम वीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। वही 4F75 उनके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेदारी सड़क जम्मू एंड कश्मीर राइफल 17,000 बसोनागा को दी गई। तीनों ही बटालियनों ने 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के लिए इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम निछावर कर दिया। और ये प्रधानमंत्री एक तरीके से कारगिल युद्ध स्मारक वहाँ पे दौरा करते हुए कारगिल युद्ध में शहीद तमाम जवानों की जो तस्वीरें वहाँ लगी उसकी जानकारी हासिल करते हुए जिस वक्त ये युद्ध हुआ था उस वक्त की वास्तविक तस्वीरों को भी संग्रहालय में रखा गया है। कौन से साजो सामान इस्तेमाल किए थे भारतीय सैनिकों ने उसका भी संग्रहित किया गया है। तो पाकिस्तान के कब्जे से बरामद किए गए गोला बारूद और तमाम अन्य प्रकार के सामान को भी इस संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। भारतीय शौर्य की गाथाएं भी यहां पे लिखी गई है। आने वाले नस्ल को दिखाए शहीद सैनिक हैं उनकी कहानियां थी कैसे उन्होंने इस युद्ध को अंजाम तक पहुँचाया उसका जिक्र भी इस संग्रहालय में साफ तौर से रखा गया है। किन किन रेजिमेंट्स के तमाम जवानों ने जो अपना योगदान दिया है जिन हथियारों से लड़ाई लड़ा लेकिन जो जज्बे की कहानियां हैं वो भी यहां पर कविताओं के तरीके से उकेरी गई हैं उनके याद उनको करने के लिए। और ये अपने आप में दिखाता है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को देश भूला नहीं है। आज भी उनके इस योगदान के लिए 140 करोड़ भारतीय सम्मान के साथ अपना सर झुकाते हैं। ऐसे तमाम योद्धाओं ने जिन्होंने भारतीय मान सम्मान तिरंगे के मान सम्मान के लिए जो काम किया अपना जो सर्वोच्च बलिदान दिया उसका नमन करने के लिए प्रधानमंत्री का पहुंचना ये दिखाता है कि पूरा देश उन शहीदों की शहादत के आगे खड़ा हुआ है। और ये तमाम प्रकार के वहाँ पे डायग्राम्स भी बनाए गए हैं जिसमें वो भौगोलिक परिस्थितियों को दर्शाया गया है कि कैसे नीचे की जगह से ऊपर तक के वहाँ तक पहुँचे हट ऑफ रिमेम्बरेंस है जहाँ पर और यहाँ पे अमर संस्मरण जो एक तरीके से यहाँ संग्रहित किए गए हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस के तौर पर इस युद्ध स्मारक का वो हिस्सा जाना जाता है जहाँ पर तमाम चीज़ों को सहेजा गया है। और यहाँ पर वो भी साजो सामान रखा गया है जो पाकिस्तानियों के कब्जे से बरामद किया गया था। और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस अपने आप में उन शहीदों की तमाम यादों का जिक्र भी करता है और तमाम ऐसे पत्र भी जो उन वीर जवानों ने अपने परिजनों को लिखे थे जिसमें देशभक्त की भावना से ओतप्रोत वो शब्द वो भावनाएं कहीं ना कहीं झलकती हैं उन सबको संग्रहित करने का काम भी किया गया है। तो सिर्फ इतना ही नहीं कि उन शहीदों को हम याद करते हैं बल्कि उनके जीवन से जुड़ी हुई उनकी शौर्य गाथाओं से जुड़ी हुई तमाम बातों को इस रिमेम्बरेंस स्थल पे यहाँ पे रखा गया है और उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी हासिल करते हुए और विभिन्न जो बटालियंस हैं उनके जो अफसर्स थे उनके जो जवान थे जिन्होंने अपनी शहादत दी है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है उनकी तस्वीरें भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनके नामों को भी अंकित किया गया है। और ये अपने आप में वो उस वक्त की युद्ध के समय की वास्तविक तस्वीरें भी हैं जो यहाँ संग्रहित की गई हैं। तमाम वो युद्ध लड़े जाने वाले साजो सामान भी लिखे हुए हैं और शौर्य गाथाओं को भी यहाँ उकेरा गया है और जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री हासिल करते हुए और ये तमाम वो जगह जो भौगोलिक विषमताओं को दर्शाती हैं कि कैसे नीचे रहते हुए भी हजारों हजार फिट की ऊंचाई पे बैठा हुआ ऊपर दुश्मन जो सीधे टारगेट करने में सक्षम था बावजूद उसके हौसले को पस्त करते हुए हमने उसको हराकर अपनी विजय गाथा को लिखा है। तो ये तस्वीरें आप लगातार प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई देख रहे हैं और ये ग्रुप फोटो है जिसमें तमाम वो परिजन मौजूद हैं जिनके परिजनों ने शहादत दी है उस वक्त के जो तमाम जो शहादत देने वाले लोग हैं उनके परिजन भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री की मौजूदगी है तमाम सेना के बड़े अधिकारी मौजूद हैं और ये दिखाता है कि परिजनों के साथ पूरा देश आज खड़ा हुआ है और तिरंगे की
तले, ये सबकी मौजूदगी दिखाता है कि ये भारत माता की जय और भारत के इस तिरंगे और मान सम्मान के लिए पीछे दिख रही इन चोटियों, भले ही ये जमीन का एक टुकड़ा मात्र कहा जाए लेकिन वो एक टुकड़ा नहीं, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, जिसकी एक एक इंच जमीन को हमने अपनी शौर्य की गाथाओं से अपने लहू को बहाकर हासिल किया और दिखाया दुनिया को और दिखाया पाकिस्तान को कि आपकी एक भी नापाक हरकत को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। और ये उस अमर गाथा, उस विजय पथ की कहानी है जो हमारे देश के रणवाकुरों ने, सेनाओं ने मिलकर लिखी है आज से 25 साल पहले कारगिल के युद्ध में। और आज 25 साल का ये पड़ाव हमें उन शहीदों की, उन तमाम युद्ध कर्मियों के योगदान को याद दिलाता है जिन्होंने अदम्य शौर्य और पराक्रम को दिखाते हुए आज के इस दिन तक पहुंचने का हम देशवासियों को मौका दिया है। 26 जुलाई 1999 को दिन जब उस वक्त प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने युद्ध जीतने की घोषणा की थी और ये कहा था कि अब ये ऑपरेशन विजय पूरा हुआ है और देश ने इस युद्ध को जीत लिया है। तमाम ऐसे मौके आए जब हमारी तमाम रणनीतियां उतनी कारगर साबित होती नजर नहीं आई, लेकिन हर बदलते दिन के साथ हमने अपनी रणनीति को बदला, कैसे इन्फेंट्री ने अपनी लड़ाई लड़ी, कैसे वायुसेना ने अपने मोर्चेबंदी की और उसके बाद जाके पाकिस्तान की इस घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह नाकाम किया गया। पाकिस्तान मतलब को उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका दौड़कर गए थे किसी तरीके से हमको और हमारे देश को बचा लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान ने इस बात का रुकने वाले नहीं है, साफ तौर से दुनिया को दिया गया था। और उस वक्त हिंदुस्तान को इस लड़ाई में कई प्रकार से कुछ देशों की जो मदद भी मिली, जिसमें इसराइल का नाम बेहतरी से आता है कि युद्ध सामग्री की एक मौजूदगी होना भी बहुत मायने रखता है, लेकिन साजो सामान ही नहीं, युद्ध के गोली बारूद और गोला ही नहीं, बल्कि जो जज्बे की कहानी, जिस जज्बे से इस युद्ध को भारतीय रणवाकुरों ने, नौजवानों ने, जवानों ने उस वक्त लड़ा, ये उसकी कहानी है। और शायद इसीलिए कारगिल युद्ध स्मारक में एक विजय पथ का निर्माण भी किया गया है जिसके दोनों ओर तमाम शहीदों के हमारे में जानकारी लिखी गई। और उस विजय पथ को विजय पथ नाम ही इसलिए दिया गया है कि इस पथ के माध्यम से आप जब वहां से गुजरेंगे तो तमाम उन शहीदों के नाम स्मारक और उनकी गाथाओं को वहां उकेरने से, पढ़ने के, आप जान पाएंगे कि कैसे इस माध्यम से, इस शौर्य गाथा के तरीके से इन्होंने अपना जो योगदान दिया है, तब जाकर आज ये तिरंगा यहाँ पर अपनी पूरे आन बान के साथ लहराता नजर आ रहा है। ये ग्रुप फोटो प्रधानमंत्री की मौजूदगी कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में और ये वीर भूमि में प्रधानमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपने आप में पूरे देश की ओर से ये प्रधानमंत्री का सर झुकना, ये दिखाता है उन शहीदों के सम्मान में कि पूरा देश आज उनके सम्मान में अपना सर झुकाकर खड़ा हुआ है, नतमस्तक है, क्योंकि देश के लिए जब उन्होंने कुर्बानी दी तब जाकर आज देश तरक्की के इस रास्ते पे आगे बढ़ता नजर आ रहा है। चाहे वो आर्थिक सामाजिक गतिविधियों में हम जो भी ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं, आज वैश्विक पटल पर भारत को जो भी मान सम्मान मिल रहा है, उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो योगदान देश की सेना, वायुसेना, नौसेना देती है, जज्बा है जान देने का, अदुलनीय। हमारे यहाँ दावा होता है कि हम सर पे कफन बांध देते हैं, ऐतिहासिक समारोह, मौत से नहीं डरते मुसलमान, और भाई वो भी श्री नरेंद्र मोदी जी एवं सभी गणमान्य अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि श्रृंखला सुरंग के निर्माण कार्य का शुभ आरंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पहले विस्फोट से किया जाएगा। सर्वप्रथम आपके सामने प्रस्तुत है श्रृंखला सुरंग की रणनीतिक और आर्थिक महत्व के ऊपर तैयार किया गया एक चलचित्र। भारत के सुदूर उत्तर में बसा सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपनी भौगोलिक स्थिति एवं कठिन मौसम की वजह से दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में भी जाना जाता है। विगत एक दशक से राष्ट्र ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में न केवल विरोधियों के नापाक इरादों पर काबू पाने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है, बल्कि सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण की गति को भी बढ़ावा दिया है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें, पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। मनाली और लेह के बीच निर्माणाधीन निमू पदम दारचा रोड पर शिंकुला दर्रे पर 4,800 मीटर की ऊंचाई पर
दुनिया की सबसे ऊंची शिंकुला सुरंग के निर्माण की मंजूरी भारत सरकार की सक्रिय पहलों में से एक है। सीमा सड़क संगठन को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4.10 किलोमीटर लंबी शिंकुला सुरंग शिंकुला दर्रे को बाईपास करेगी, जो हर साल 4 से 5 महीनों के लिए 15 से 20 फीट बर्फ से ढका रहता है। ये सुरंग ट्विन ट्यूब होगी तथा इसमें हर 500 मीटर पर क्रॉस पैसेज उपलब्ध कराए जाएंगे। इस सुरंग के निर्माण से 4 किलोमीटर यात्रा की दूरी और 30 मिनट की समय में कमी आएगी। आज शिंकुला टनल का निर्माण कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा प्रथम विस्फोट के साथ शुरू किया जाएगा। अपने रणनीतिक सैन्य महत्व के अलावा यह सुरंग लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। शिंकुला सुरंग का निर्माण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों को अब मैं वीडियो लिंक के माध्यम से यहाँ से 500 किलोमीटर दूर शिंकुला ले चलती हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सामने लगी 2 डेटा स्क्रीन की ओर ध्यान दें, जहाँ शिंकुला सुरंग का उत्तर पोर्टल दर्शाया जा रहा है, जिसका निकास नीमू की ओर होगा। ये समुद्र तल से 4,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और शिंकुला शिखर से 3 किलोमीटर पहले है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे रिमोट के माध्यम से शिलालेख का अनावरण करते हुए प्रथम विस्फोट करने की अनुमति प्रदान करें। अब कुछ ही क्षणों में आप शिंकुला सुरंग का पहला विस्फोट देखेंगे, जिसे सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत सुरंग की शुरुआत भाई भाई मुस्कुराए भाई। प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में हमारा देश तेजी से प्रगति कर रहा है। आपकी दूरदर्शिता और सशक्त नीतियों ने हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर किया है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि वे इस शुभ अवसर पर अपने बहुमूल्य वचनों से हम सभी का हौसला बढ़ाते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत माता की, भारत माता की आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा जी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, करगिल युद्ध के समय सेनाध्यक्ष रहे जनरल वीपी मलिक जी, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनेज पांडे जी, वीरता पुरस्कार प्राप्त सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों, करगिल युद्ध के
बहादुर वीरों की माताएं, वीर नारियां और उनके समस्त परिजन, सेना के बहादुर जवानों और मेरे प्रिय देशवासियों, आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं। सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर कारगिल की धरती पर हूं तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था, बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। वो आतंकवाद के सहारे
प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। ये बात है भाई, कश्मीर देखा है हमने। जम्मू कश्मीर की पहचान बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं वहां, G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है। सिंकुल्ला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। सिंकुल्ला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दाख के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। सिंकुल्ला टनल के बनने से ये मुश्किलें भी कम होगी। मैं लद्दाख के मेरे भाई बहनों को इस टनल का काम शुरू होने के लिए विशेष बधाई देता हूं। साथियों, लद्दाख के लोगों का हित हमेशा हमारी प्राथमिकता रहा है। मुझे याद है
कोरोना के समय में करगिल क्षेत्र के हमारे कई लोग ईरान में फंस गए थे, उन्हें वापस लाने के लिए मैंने व्यक्तिगत स्तर पर काफी प्रयास किए। ईरान से लाकर उन्हें जैसलमेर में ठहराया गया था और जब स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह संतोषजनक रिपोर्ट मिले उसके बाद उन सबको उनके घर तक यहां पहुंचाया था। हमें संतोष है कि हम अनेकों जिंदगियों को बचा पाए, यहां के लोगों की सुविधाएं बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। वाह मोदी जी वाह। बीते 5 वर्षों में ही हमने लद्दाख के बजट को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपये कर दिए। यानी करीब करीब 6 गुना की वृद्धि। ये पैसा आज लद्दाख के लोगों के विकास में, लोगों का सोचते हैं यहां सुविधाएं बढ़ाने में काम आ रहा है। आप देखिए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, पावर सप्लाई, रोजगार, लद्दाख में हर दिशा में दृश्य भी बदल रहा है, परिदृश्य भी बदल रहा है। पहली बार यहां होलिस्टिक प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। जल जीवन मिशन की वजह से अब लद्दाख के 90% से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंच रहा है। लद्दाख के युवाओं को क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले इसके लिए यहां सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। पूरे लद्दाख क्षेत्र को 4G नेटवर्क से जोड़ने का काम भी चल रहा है। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का काम भी जारी है। इसके वजन बनने से नेशनल हाईवे नंबर 1 पर भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथियों, हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के असाधारण लक्ष्य तय किए हैं। चैलेंजिंग टास्क को अपने हाथों में लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने ऐसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अभूतपूर्व गति से काम किया है। BRO ने पिछले 3 साल में 330 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इसमें लद्दाख के विकास कार्यों से लेकर पूर्वोत्तर में सेला टनल जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। मुश्किल ट्रेनेंस में विकास की एक गति, नए भारत की क्षमता
और दिशा दोनों दिखाते हैं। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियां पहले से अलग है, इसलिए हमारी सेनाओं को हथियारों और उपकरणों के साथ साथ कार्यशैली और व्यवस्थाओं में भी आधुनिक होना चाहिए। इसलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस करता रहा है। सेना स्वयं वर्षों से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से पहले इसे उतना महत्व नहीं दिया गया। बीते 10 वर्षों में हमने डिफेंस रिफॉर्म्स को रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता बनाया। इन रिफॉर्म्स के कारण आज हमारी सेनाएं ज्यादा सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर हो रही है। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दी जा रही है। डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का भी 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। 1,25,000 करोड़ भाई, कभी भारत की गिनती हथियार मंगाने वाले देश के रूप में भी थी, अब भारत एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं ने 5,000 से ज्यादा हथियारों और सैन्य उपकरणों की लिस्ट बनाकर ये तय किया है कि अब ये 5,000 आइटम्स बाहर से नहीं मंगवाए जाएंगे। मैं इसके लिए सेना नेतृत्व को बधाई देता हूं। साथियों, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आर्म फोर्सेज की सराहना करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमिटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु एवरेज एज ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना।
हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था है। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में जुट की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि के सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की। मैं तो हैरान हूं कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्माती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं देश सर्वोपरि है। और साथियों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, हम राजनीति के लिए नहीं राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ की शांति ये सबसे पहले है। साथियों, जो लोग
देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखा दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला। 500 करोड़, ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। अब कहां 500 करोड़, कहां 1,25,000 करोड़ भाई, बड़ी रकम है। इतना झूठ, 1,25,000 करोड़ और देश के जवानों के आंख में धूल झोंकने का पाप। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी सेना की मांग होने के बावजूद भी देश के वीर सैनिकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। टालते गए, कमिटियां बनाते गए, नक्शे दिखाते गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी थी। और साथियों, ये वही लोग हैं जो करगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते रहे। ये तो देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद है कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला और इसलिए आज ये अब महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का हम पुण्य स्मरण कर पा रहे हैं। वरना अगर वही आ जाते तो इस युद्ध विजय की सवारी को याद नहीं करते। सही बोल रहा है साथियों, ये मोदी जी कर सकते हैं। किसी सरकार की विजय नहीं थी, कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था, ये विजय देश की थी, भारत ये विजय देश की विरासत है, ये देश के गर्व और स्वाभिमान का पर्व है। मैं एक बार फिर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मेरे वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सभी देशवासियों को पुनः एक बार कारगिल विजय के 25 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ये भारत माता की जय मेरे उन वीर शहीदों के लिए है, मेरे वीर भारत मां के वीर सपूतों के लिए है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। वेल डन मोदी जी, मान गए आपको आज। यार क्या बात है आपकी, मतलब 25 साल बाद भी वही जोश और जज्बा है भाई। उसी जोश और जज्बे के साथ आपने विजय दिवस लिए मनाया और शहीदों को आपने श्रद्धांजलि दी, सलामी दी। पहले आपको देखा कि आपने वो सारी चीज़ें विजिट करवाई, देखी उस वक्त क्या क्या हुआ था, किस तरह बमबारी हुई और दो फौजी थे आपके नौजवान, वो सारा भाई एकदम चीख के बता रहे थे कि टाइगर हिल पे इतनी पॉइंटें दी, इस तरह हमला हुआ था, इस तरह धोखेबाजी के साथ वो घुसपैठ आए थे और आपके जो शहीद हैं उन्होंने इस तरह मुकाबला किया, डरे ही नहीं भाई, मुकाबला करके जीते। और ये सारी जीत मोदी जी बता रहे हैं कि ये भारत की जीत है,
किसी एक पर्सनल पार्टी की जीत नहीं है कि जो भी आता है क्रेडिट ले जाता है, भाई ये हमारी गवर्नमेंट में जीत हुई है ऐसी। मोदी जी बोलते नहीं भाई, ये देश की जीत है। और इसका पूरा ना इनको आर्मी के नौजवानों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हिम्मत करके भारत को ये जीत दी। हम पाकिस्तानी हैं और हम मानते हैं भाई, शहीद किसी के भी हों उनकी रिस्पेक्ट बनती है, चाहे इंडिया के शहीद क्यों ना हो। और एक वीडियो हमने देखा था, इनके शहीद जो जो उस दिन जो बच गए थे आर्मी के इंडियन, वो हमारे पाकिस्तानियों को उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ भाई उठाया, उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उनको पैक करके हमारे पास भेजा। ऐसे नहीं कि लाश उठाई फेंक दी, नहीं, उल्टा हमारे वालों ने काम किए थे। बट इनको यार रिस्पेक्ट है। और आज मोदी जी ने जो हमें सब कुछ बताया, एक घंटे की वीडियो थी, पता ही नहीं चला, हम देखते गए, हमें भी याद आ गया भाई, हमने भी पढ़ा है बहुत कुछ। लेकिन इनके तरफ से जब सुनते हैं तो बहुत कुछ खुलासे होते हैं, बहुत राज पता चलते हैं कि असल में क्या हुआ था। हमारे वाले तो बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, पर इंडिया की तरफ से सच हमेशा सामने आता है। और मोदी जी ने बहुत अच्छे से बताया और इनडायरेक्टली सबको जवाब दिया, नाम ऐसे सिर्फ हमारा लिया, बाकी अपने वालों को भी जवाब दिया। पाकिस्तान को भी बोला कि ये सीखते नहीं हैं अपने इतिहास से, ये हमेशा मतलब वार करते हैं, ये सीखते नहीं हैं हमें। हालांकि हमें सीखना चाहिए, जो पीछे हुआ भूल कर अमन का पैगाम देना चाहिए और बात करनी चाहिए, पर हमेशा वहाँ से पहला कदम आता है, हमारे यहाँ से नहीं होता। और आज जब देखा ये कारगिल विजय दिवस, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा फील भी हुआ कि यार क्यों ये शहीद होते हैं, हम तो आपस में प्यार मोहब्बत के साथ भी रह सकते हैं, पर पता नहीं कौन सी ताकत हैं जो इस तरह गिरा देती है। और मोदी जी की स्पीच आई तो उन्होंने जो भाई जज्बे के साथ बोला है, आज भी वही जज्बा है जो एक साल पहले हमने इनकी स्पीचें देखी थी, आज भी नौजवान की तरह खड़े होकर नारे भी लगाए और बोला ऐसा नारा लगाओ पहाड़ के उस पार भी आवाज़ जानी चाहिए। तो ये मोदी जी की बात है यार। और एक टनल का बता रहे थे कि यहाँ पे टनल भी बनाएंगे जिससे लद्दाख का भी फायदा होगा। तो ये मोदी जी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि आए सिर्फ अपना नाम किया, थोड़ी सलामी दी फिर चले जाएं, नहीं, मोदी जी ने बोला यहाँ की आवाम के लिए भी पैकेज है, यहाँ पर 1100 करोड़ से 6000 करोड़ का बजट दे दिया, इतना कुछ ये सोचते हैं आवाम का, ये मोदी जी की बात है भाई। और बजट जो आर्मी का बताया डिफेंस बजट, वो भी 225,000 करोड़ भाई, इतनी रकम है भाई इंडियन करेंसी में, वो इनके लिए दिए। तो ये आर्मी से प्यार करते हैं। और बोला कि ये वो आर्मी नहीं है परेड करो, सलामी दो, सलाम करो ठोक के भाई, नहीं भाई, ये देश के लिए आर्मी है और इनकी रिस्पेक्ट है, ये अपने देश के लिए सोचते हैं और तभी तो इंडिया वाले इनसे इतना प्यार करते हैं। हमारे यहाँ जो प्रोपेगेंडा होता है, हालांकि हम भी प्यार करते हैं, हमारी भी पाक आर्मी जिंदाबाद है, वो भी जवान है, वो भी हमारे लिए भाई खड़े हैं सरहदों पे, लेकिन भाई जो जज्बा वहाँ पर है ना, शायद हमारे यहाँ ना हो भाई। मज़ा आ गया आज मोदी जी का, ये हमने वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा यार। दोनों तरफ जो भी शहीद हुए सबके लिए हमारी रिस्पेक्ट है। सही बात है, आज भाई मज़ा ही आ गया मोदी जी का जज्बा देखा ना भाई साहब, क्या आज भी वही आवाज़ बुलंद करके भाई सबको बता रहे थे, नारे लगा रहे थे भाई, अपने भारत माँ के नारे लगा रहे थे, क्या जज्बा दिला दिया जो बैठे थे ना भाई, उनको भी ऐसा जज्बा दिला दिया। इनके जो फौजी थे भाई, उनका भी क्या दमदार आवाज़ था। मोदी जी ने जो पैगाम दिया है भाई पड़ोसियों को, मतलब हमारे सबको जो भी घुसपैठ करते हैं भाई, आगे से जो भी करेगा ना, तो ये सीख लो भाई, ये अपने अभी जो हमारे साथ किया है ना इन्होंने भाई, वो तो हमें याद रह गया है। और आज यार ये भी पता चला है कि भाई मोदी जी यहाँ पर एक सुरंग भी बनाने वाले हैं, वो सुरंग का भी भाई वो अपने हाथों से कह बता रहे हैं कि भाई ये भी बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमारी तीसरी बारी में भी ये हमें सौभाग्य मिला ना, तो बड़ी बात है भाई। सुरंग भी ऐसे बम फोड़ा दो भाई, देख कर हैरान होंगे, ये धमाका तो हमारी तरफ भी आ गया, या था एक छोटा था उन्होंने लगाया, पर हमारी तरफ आवाज़ आ गया भाई। मज़ा ही आ गया आज मोदी जी का, जो पॉलिटिशियन थे ना उधर के भी भाई, अपनी आर्मी को थोड़ा रिस्पेक्ट कम देते हैं, मोदी जी ने उनकी ऐसी खींची है ना भाई, उनको भी दिल में आवाज़ लग गई होगी भाई। और अपने जो जदीद हथियार है वो भी खुद बनाएंगे, ये भी बड़ी भाई कामयाबी है, नहीं तो दूसरे देशों से खरीद गएंगे उनमें खराबियाँ होंगी, नहीं अपने देश में बनाएंगे, ये भी बड़ी बात है भाई। मैं आज देखकर हैरान रह गया हूँ
क्या मैं बताऊं मोदी जी, ये जो जज्बा था ना आज भी वही जो हमने पहले देखा जवानों के साथ, पर शहीदों के नाम लिखे हुए थे वहाँ भी सर झुका के उनको सलामी दी, यार ये भी बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं और हमारे जो हथियार थे टूटे फूटे वो भी टिंगे हुए हैं वहाँ पर। हमारा ये अफसोस, हमारा झंडा इधर उल्टा लगाते हैं ना, ये देख कर भाई दिल में एकदम से सुइयाँ चुभ जाती है ना। ये हमारा जहाँ लगा ही नहीं या सीधा लगाए हमारा झंडा, पहले भी एक वीडियो देखा हमारा टैंक पर उल्टा झंडा लगा हुआ है, अफसोस होता है यार। बाकी आपकी जो फतेह है हम उसको मानते हैं, आपका जज्बा था आप जीत गए तो क्या करें भाई, अभी उनकी जीते तो वो तो मनाए कि 3-4 जीते हुए ना, 71 बात हम जीते हुए यार, बताओ कौन सा जीते, कारगिल हम भी जीते हुए भाई, क्यों हमारे यहाँ भी शहीद हो गए, हिंदुस्तान वाले भी शहीद, उन दोनों की रिस्पेक्ट है भाई, हिंदुस्तान वाले जो चलो आपस में जीत रहे, हम भी जीते है भाई, कारगिल जीते भाई, फतेह है ना हमारी तो फतेह हो गया ये तो भाई, भाई आज हम ये बात तो हमें समझ नहीं, नहीं आ रही है ना ये वाले, हमने जो देखा सुना तो ये तो अलग बात भाई। नरेंद्र मोदी जी बड़ी आज स्पीच दी है, उसने भी बड़ा जोश वाली दी है, आज भी जवान लग रहे थे एकदम जोश बलबले में लग रहे थे और सबको नारे लगा रहे थे सारे के सारे ना भाई, यहाँ पर जितने भी बैठे हुए थे फौजी है पॉलिटिक्स सारे के सारे नारे लगा रहे थे, और जितने भी सारे नरेंद्र मोदी जी ने बातें की भाई वो सच 100% सही की है। अपने ही देखो ना जवानों को इतना सारा ये बजट में दे रहा है, हर चीज़ में भाई सहूलत दे रहा है, हमारे यहाँ भी ऐसा हो ना बजट में हमारे यहाँ भी सहूलत दे तो हमारी भी आर्मी बड़ी काम की और जोश वाली है, पाकिस्तान की भी उनमें जोश है भाई, भाई हमारे यहाँ भी जोश है, क्यों पहले वाले थोड़े से नहीं नहीं भाई जोश है हमारे यहाँ भी जोश, हमें भी फ्रीडम दे तो हमें भी पता चले ना हमारी आर्मी भी बड़ी तगड़ी है, तो पाकिस्तानी भी जो शहीद हुए उनको भी हम सलाम करते भाई। आज ये जो हथियार है ये तो पुराने जमाने के, ये जो हमारे जो फ्लैग है ना ये उल्टा जो टंगा हुआ है ना ये वाले नहीं करना चाहिए यार, सबकी फ्लैग की रिस्पेक्ट होनी चाहिए भाई, बस ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान बस आपस में ये लड़ते रहेंगे, तीसरा आएगा ना वो फायदा लेकर निकल जाएगा पतली गली से। ये कब तक चलता रहेगा भाई, अभी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, अभी ये है ना हमारा प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है, बेगर कार भी चूज है नहीं भाई, अभी हमारा देखो ना हमारा जो पीएम तो क्या रहेगा भाई, हम जोश में हैं, शहबाज शरीफ है, पीएम मोदी है, उनके तो ताल्लुकात अच्छे हैं। अब जो 1999 में जो जंग हुई थी तो कारगिल में जो पाकिस्तान ने फतह की थी, हमें तो बताया गया कि फतह है हमारी, हमारी फौज ने फतह कर ली थी, लेकिन जो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाल दिए, ये हमें बात जो है ना समझ में नहीं आ रही है कि कारगिल, अब देखो ना खुशियां तो मना रहे हैं भारतवासी कि पाकिस्तान से हमने जो है कारगिल अपना जीत लिया, हमारा ऐसा था मुल्क का, भारत का ऐसा था ना, ठीक है पाकिस्तान ने जो जीता फिर जो है बताया गया कि भारत जीत गया, ये बात हमें अभी तक समझ में नहीं आ रही है, जो देखा हमने सुना वो बात अलग है, जो हमें बताया गया वो बात अलग है, ये बात आपस में नहीं मिल रही है। अफसोस भी होगा उनको कि उनके जवान शहीद हो गए, और हमारे भी तो जवान शहीद हो गए ना, वो ऐसी बात तो नहीं है, शहीद हुए उनको उठाया क्यों, फेंकते कौन भाग गया, ये भी बात समझ में नहीं आ रही है कि बता रहे हैं कि पाकिस्तानी जो जवान थे शहीद हो गए, बाकी जो जिंदा थे वो भाग रहे थे, ये क्या माजरा है यार, ऐसे तो नहीं होता है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है। आप कहते हो पीछे जाए हमारे ऊपर, भाई हम तो ऊपर थे ना, वो नीचे जाएंगे, पीछे कैसे आएंगे यार, ये उल्टा ऊपर चारों तरफ थी नीचे से, यार ये तो बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक बात है ना मेरे ख्याल में जो बात आ रही है कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप मीडिया के ऊपर ना चलो, मीडिया नहीं, मीडिया को साइड में रखो, मीडिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ पे जो है कुछ बातें ऐसे भी बताते कि वो आपस में लड़े झगड़े, ये बातें हम मीडिया पे तवज्जो नहीं रखते हैं, लेकिन एक बात तो जरूर है ना भाई, किसी ने जीत लिए जीत लिया फिर जो है उसको हरा दिया, ये बात अलग है, लेकिन पीएम मोदी जो खिताब कर रहे थे हम उसका सुन रहे थे, हम उसके जो खिताब में जो जो भी बातें वो बोल रहा था, भारत के लिए उन्होंने फायदेमंद बातें की है, अपनी फौज के लिए जो 1,00,000 करोड़ जो बोल बता रहा था हमने दिया है, अपने आवाम के साथ भी अच्छा चल रहा है, पीएम हो तो मोदी जैसा अपने मुल्क के लिए सच्चा तो है, और जो बता रहा था कि पता नहीं किस इलाके का नाम बोल रहा था कि 1,100 करोड़ बजट था, फिर उसके बाद जो है भारत सरकार की मोदी सरकार ने 6,000 करोड़ बजट बना ली, हाँ तो होगा तो जरूर ना, तो मान और आप नहीं मानते, वो तरक्की कर रहे हैं, इस बात में हम उनको मानते हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें इंसल्ट कर रहे हैं ना जिन बातों पर,
तो हमें तो तकलीफ तो मिलेगी ना हमारे को। दोस्त है, पड़ोसी मुल्क है यार हमारा, वो मानते ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आतंकवाद छोटी बात, जैसे कि बोलते हैं छोटा मुंह बड़ी बात, ऐसी बात नहीं है कि हम आपस में दोस्त है। अवाम, वहाँ की अवाम और पाकिस्तान की अवाम ये नहीं चाहेगी कि हमारी दुश्मनी बढ़ती रहे। आप हमारी पाकिस्तान के अवाम के इंटरव्यू देखो क्या बोलते हैं यार, उन लोगों को छोड़ दो, पांच उंगलियां बराबर तो नहीं है ना। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो दिखाते चलो ठीक है, वो वीडियो तो दिखाते, दूसरी बातें तो वो दिखाते ही नहीं। लेकिन पीएम मोदी ने ये बहुत अच्छा कुछ बताया, बहुत दिखाया और बहुत सुनाया भी हमें। हम वो उनके वीडियो देख रहे थे, उनके जवानों ने जो शहादतें दी है, उनका जो पीएम मोदी है उनकी इज्जत कर रहा था। पीएम मोदी की सोच सबसे आगे है कि वो जो है अपने मुल्क के लिए जो भी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जिदोजहद कर रहा है, अपने दिल से कर रहा है, वो भारत को आगे लेके जा रहा है। मेरे ख्याल से तो वो बुलंद तरीन सतह पर लेके जा रहा है। फिर तो यार हम जो है ना पीएम मोदी से जो है ना हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान से जो ताल्लुकात है वो अच्छे बनवाए, हाँ अच्छे ताल्लुकात बने, जनता में जो नफरत है वो खत्म हो जाए दोनों देशों के दरमियान, हम यही दुआ करेंगे। और जो इन दोनों देशों के जो भी जवान कारगिल के जंग में जो शहीद हो गए, हमें उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल, सबके लिए दुआ करनी चाहिए। वकार भाई ने एक बात बोली कि इंडिया पाकिस्तान झगड़ा करेगा, फायदा बाहर वाले लेंगे। हाँ ये बात है ना, कोई तीसरी कुवत है ना जो हमें लड़वा नहीं लेंगे। भाई फायदा इंडिया ले रहा है, तरक्की कौन कर रहा है? इंडिया तो इंडिया कर रहा है, वो तो बात वाजे है। हम नीचे कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, हमारी कुछ गलतियां है, ये मालूम है, नीचे जा रहे हैं ना, हमारी कुछ गलतियां होगी। कुछ भी कहो भारत भाई, जो है ना हमारे आपस में लड़ाई के मामले में ना तीसरी कुवत होगी जो फायदा ले रही है हमसे, वो भी हो सकता है। हाँ वो भी हो सकता है, बट जितना हमने देखा है ना फायदा इंडिया को ही हो रहा है, वो तरक्की कर रहे हैं। और इंडिया जो है अंदर से भी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, बाहर से भी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तियां देखो मोदी जी, किसकी दोस्ती? रशिया से भी दोस्ती है, अमेरिका से भी, अरबों से भी दोस्ती है। सऊदी वाले उनको अवार्ड देते हैं, यूएई वाले उनको बुलाते हैं, तो ये क्यों उनको रिस्पेक्ट मिल रही है? सच्चे हैं तभी तो उनको रिस्पेक्ट मिल रही है ना। और उनकी जो आर्मी है वो उनको फ्रीडम देती है, कंट्रोल नहीं करती है, कठपुतली की तरह नहीं चलाती कि भाई तुम प्राइम मिनिस्टर हो जैसा हम बोले वैसा करो। नहीं, मोदी जी को पूरा मतलब पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे वालों की तरह नहीं है कि पूरा कंट्रोल करके रखते हैं, और जिस तरह हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई ये उनको पीछे से इनको चूज किया, जैसे इमरान खान बना था तो उनके पीछे क्या नारा था कि लाया गया, ये खुद जीता नहीं। अभी नवाज शरीफ प्राइज शहबाज शरीफ जीता तो उसको भी बोल रहे हैं कि खुद नहीं जीता, धांधली की है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, इंडिया में पूरी डेमोक्रेसी है, हर चीज की आजादी है, कुछ भी बोलो। मोदी जी को लोग गालियां देते हैं लेकिन कभी मोदी जी ने उनको अरेस्ट नहीं करवाया, तो इतनी तो वहां आजादी है। तो हम इंडिया को मानते हैं, आज उनकी जंग का दिन था, उनको उन्होंने ये श्रद्धांजलि दी, चाहे कुछ भी हुआ उस वक्त हम जीते हैं वो जीते, लेकिन ये दिन मना रहे हैं तो रिस्पेक्ट बनती है उनकी। मजा आ गया वीडियो देखकर। तो वो बात, दूसरी बात जो थी कश्मीर वाली बात कर रहा था पीएम मोदी, वो भी टूरिस्ट में आगे बढ़ाएंगे, वहां पर भी वो बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कश्मीर में। भाई आप वीडियोस देखोगे ना, हमारे यहाँ से 10 गुना ज्यादा कश्मीर में आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, हर चीज सस्ती है वहाँ पे। हमारे कश्मीर वाले क्या बोलते हैं, हम वहाँ जाएं, हमारा कश्मीर। ये बात तो है, लेकिन वो बता रहा था कि वो उनकी जो बजट है वो बढ़ रही है अभी, वो वहाँ डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, बिजनेस जो हो रहा है तो करेंगे ना कश्मीर में। भाई वहाँ पर वो अपने लोगों को भेज रहे हैं, काम करो कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को बढ़ाओ। भाई हमारी तरह नहीं है कि बस नाम का कश्मीर है, वहाँ पर सब कुछ हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं। मोदी जी वहाँ पर खुद गए हुए हैं, और एक आर्टिकल 70 का बोला उसको भी 5 साल होने वाले हैं। आर्टिकल 370 वो हटा दिया था ना, वो हटा दिया, लेकिन वहाँ तो फौज अभी तक है ना भारत की, जो तो रक्षा करेंगे ना, 2 लाख जवान जो भेजेंगे। नहीं नहीं वो नहीं, अभी आप इंटरव्यू देखेंगे, कभी वो वीडियो ईरान से बचेंगे, अपने भाई मंगवा लिए, अपने पावर पे पावर रखते हैं, वरना थोड़ी वो भेज देते, कोरोना में थे ना तो पावर चलती है ना। मोदी सरकार यार जिंदा, मोदी सरकार बिल्कुल, ये मानते भी है पर कभी कभी ये हट जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी है ना, तो पाकिस्तानी आप सब जानते हैं। भाई अच्छा लगा, वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।